सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे एक स्टूडेंट है पवन, जिन्होंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। कुछ ऐसा ही कमाल किया है दिल्ली के 14 साल के वैभव ने। 10th क्लास में पढ़ते हैं वैभव ने कबाड़ में फेंकी गई चीजों का इस्तेमाल करके मोबाइल वायरलेस चार्जर बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है, जिसमें उसे बेहतरीन इंजीनियर्स मिलने वाले हैं, और ये साबित किया है साइंस स्टार वैभव यादव ने। ये है 14 साल के वैभव, जो दिल्ली के मंदर मार्ग नवयुग स्कूल में 9th क्लास में पढ़ते हैं। वैभव की उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन दिमाग तेज तरार है। घर में पड़े हुए बेकार सामान, जो कि हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी सामान से वैभव ने एक वायरलेस चार्जर बनाया है। मेरा एक एग्जीबिशन लगना था स्कूल की तरफ से, तो स्कूल वाले मेरे से पूछे कि कोई वैभव आइडिया है, तो मैंने बताया कि एक वायरलेस चार्जर मैं बना सकता हूँ ऐसा, जो रेंज में चार्ज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो मैंने उसी को सोच के बनाया, फिर मेरा एग्जीबिशन में प्राइज भी आया। मेरा सेल्फी स्टिक, कॉपर वायर, आम चार्जर और कुछ पुर्जों को इकट्ठा कर वैभव ने ये वायरलेस चार्जर बनाया है। इसकी खासियत ये भी है कि 50 मीटर तक के दायरे में कहीं दूर बैठकर भी आप अपना मोबाइल फोन इसके रिसीवर से चार्ज कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा वायरलेस चार्जर बनाया है कि आप जैसे आप अपने तीसरे चौथे रूम में भी बैठे हैं और आपका प्लग बहुत दूर है, उठ के जाना नहीं पड़ेगा और आपका फोन रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हेल्प से आपका फोन चार्ज होगा। पावर बैंक, लैपटॉप, इसके एक ट्रांसमीटर में एक मीटर लगा हुआ है, जैसे 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 उसकी पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो मैग्नेटिक वेव और स्ट्रांग हो जाएगी, जो लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हो। ये वायरलेस चार्जर एक आसान मैकेनिज्म पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ये वायरलेस चार्जर काम करता है। इस डिवाइस को बनाने में वैभव के स्कूल के टीचर्स ने भी उसकी काफी मदद की है। ये डिवाइस सबसे ज्यादा अलग है, एक तो सबसे वायरलेस चार्जर जो बनाया है वैभव ने, इसके आइडिया आया था वैभव को, वैभव ने मुझसे डिस्कस किया इस बारे में कि कैसे करना है। बहुत कारगर है। सबसे बड़ी बात है कि मध्यम वर्ग की जनता के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग हैं जिसको ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि इस डिवाइस को बनाने में सिर्फ मात्र 300-350 रुपए का खर्चा है। वैभव ने इस चार्जर में मल्टीपल पिन का इस्तेमाल किया है, जिससे आप किसी भी कंपनी का कैसा भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक फोन हो या स्मार्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस बच्चे के लिए भी और उस टीचर के लिए भी जिन्होंने उस बच्चे को गाइड किया, और ऑफ कोर्स ये हमारे स्कूल के लिए भी एक उपलब्धि है। और हम तो ये चाहेंगे कि ऐसी उपलब्धि केवल एक वैभव ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस प्रयास में लगे हुए हैं और अभी वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं, बट वो भी इस मुकाम पर पहुंचेंगे और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा नया करके दिखाएंगे। 1.5 महीने की मेहनत और किफायती दामों पर बनाए गए इस वायरलेस चार्जर को बनाने के लिए वैभव को दिसंबर में हुए NDMC के साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन में पहला स्थान भी मिला। दिल्ली से यशस्वी का मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपकी न्यूज में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या BJP ने महागठबंधन पर ग्रहण लगाया है, इसी सवाल के साथ बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के मेरे सहयोगी रोहित सरदाना के साथ देखिए।